Good morning, students. Today we will start our new chapter, chapter number 8, motion. Okay, which is a physics part in your book. हमने starting में first और second chapter किए, जो आपका chemistry part था. उसके बाद हम physics part cover करेंगे. तो physics part में आपका first chapter है, that is chapter number 8 in your book, which is a motion. है ना? तो हम अब आज motion chapter के बारे में पढ़ेंगे. Motion क्या होता है? आपने अपने आसपास सराउंडिंग में कई सारी ऑब्जेक्ट को देखा होगा, जैसे कि डस्ट पार्टिकल, जैसे कि वो मोमेंट आपने देखा होगा, ट्रीज़ की लीव्स देखी होगी, फिर आप खुद जब बाइसिकल या मोटरसाइकिल या कार से ड्राइव करते हैं तब आपने देखा होगा कि लगातार कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोशन. तो इस चैप्टर में आपको उसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, कि एक्चुअल मोशन क्या होती है, मोशन के टाइप क्या होते हैं, है ना, और मोशन से कंसेप्ट जो कुछ एक्स्ट्रा फिनोमिना है वो हम पढ़ेंगे, जैसे कि वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, ठीक है. तो मोशन से ही रिलेटेड दूसरे टर्म्स भी हम अच्छे से समझेंगे. स्टार्टिंग हम करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से, ठीक है. यहाँ पर आप देखिए कि कुछ एग्जाम्पल्स ही बने आपकी एवरीडे, यानी कि आप डेली लाइफ में आपने कुछ ऑब्जेक्ट को रेस्ट कंडीशन में देखा है और कुछ ऑब्जेक्ट को मोशन में देखा है, ठीक है. तो रेस्ट मतलब क्या? जिसको आप आज जिस कंडीशन में देख रहे हो कुछ टाइम के बाद भी वो उसी प्लेस पर रहेगी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगा. और मोशन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आना. फॉर एग्जाम्पल बर्ड फ्लाई, यानी पक्षियों का उड़ना, वो अगर उड़ेंगे तो वो अपनी पोजिशन बार बार चेंज करेंगे. फ्री स्ट्रीम, ब्लड फ्लोस थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज, जैसे हमारी बॉडी में लगातार ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, जिसे हम ये सारे एग्जाम्पल को मोशन पे कंसिडर कर सकते हैं. कार का मूव करना, ठीक है. एटम, मॉलिक्यूल, प्लैनेट, स्टार एंड गैलेक्सीज आर ऑल्सो इन मोशन, जैसे लगातार प्लैनेट्स का रोटेट होना, रिवॉल्यूशन लगाना, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करना, जैसे वाटर या एयर के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, ठीक है, और स्टार्स का भी मूवमेंट करना, फिर गैलेक्सीज, ठीक है, हमारी पूरी गैलेक्सी ही मोशन में है, सारे स्टार मूवेबल है, सारे प्लैनेट्स मूवेबल है. सो वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम. मतलब हमने क्या समझा कि हर वो ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो हमेशा अपनी पोजीशन चेंज करती है, या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो लगातार अपनी पोजीशन चेंज करती जा रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि अगले एक सेकंड या दो सेकंड में वो जिस जगह थी वहाँ से नेक्स्ट टू सेकंड के अंदर उसने अपनी जगह चेंज कर ली. सेकंड में ले लो, मिनट में ले लो, कहीं भी ले लो, लेकिन अगर लगातार वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है इसका मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. ऐसी कई सारी सिचुएशन आपने देखी होगी मोशन की जो आपके सामने इनडायरेक्ट एविडेंस है, ठीक है, मतलब आप मोशन को डायरेक्ट भी देख सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपने ऐसी देखी होगी जो इनडायरेक्ट वे में हुई है लेकिन आप उसे समझ सकते हो कि मोशन है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट, मतलब आप एयर को देख नहीं सकते तो आप उसकी मोशन को फील नहीं कर पा रहे कि एयर मूवेबल है या नहीं है. तो एयर के अंदर आने वाले जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसे अगर आप देख सकते हो तो आपको उसकी मोशन समझ में आ जाएगी. जैसे कि कहीं से सनलाइट जब किसी होल से किसी डार्क रूम के अंदर आती है तो आपने देखा होगा उसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल भी आते हैं और वो डस्ट पार्टिकल हमें विजिबल होते हैं, चमकते दिखाई देते हैं. तो उस डस्ट पार्टिकल के मूवमेंट से हमें समझ में आता है कि एयर मूवेबल है. जैसे मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ठीक है, जो पेड़ों की छोटी छोटी टहनियाँ या बोल सकते हैं ब्रांचेस छोटी छोटी और उसकी लीव्स भी मूवमेंट करती है, ठीक है. ये सारे जो फिनोमेना है जैसे कि सनराइज होना, सनसेट होना, सीजन का चेंज होना, ये सब कुछ मोशन के कारण हो रहा है. और क्या ये अर्थ की मोशन के कारण हो रहा है? तो एग्जैक्टली ये अर्थ की मोशन के कारण ही होता है. हमें लगता है सनराइज हो गया, सनसेट हो गया, सब अपनी प्लेस पर ही है, पर अर्थ के रोटेशन के कारण, अर्थ मोशन में है उसके कारण हमें सनराइज, सनसेट और सीजन चेंज होती है, ठीक है. तो हम इसे डायरेक्टली क्यों नहीं देख सकते? मतलब अगर आप अर्थ पे भी खड़े हो तो क्या आप अर्थ की ऑब्जर्व मोशन कर पा रहे हैं? क्या देख सकते हो कि अर्थ मोशन कर रही है? नहीं, ये
ये सब आपको कैसे समझ में आता है, सनराइज और सनसेट से और सीजन के चेंज होने से, ठीक है। तो कुछ ऑब्जेक्ट आपको कैसी नजर आती है, मूविंग नजर आती है, ठीक है, और कुछ आपको स्टेशनरी नजर आती है, ठीक है। स्टेशनरी मतलब रुकी हुई, यहाँ पर ये STATIONARY है, यानी कि ठहरी हुई, स्टेशनरी का मतलब होता है, ठीक है। बट जैसे कि आप पैसेंजर किसी मूविंग बस में बैठा है, ठीक है, कोई पैसेंजर बैठा है बस के अंदर, बस मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन जो रोड साइड ट्रीज होते हैं वो भी हमें अपीयर मूव करते हुए अपीयर होते हैं। मतलब अगर बस आगे फॉरवर्ड की तरफ जा रही है तो जितने पेड़ रास्ते से क्रॉस करती जा रही है वो सारे ट्रीज ऐसा लगता है जैसे बैकवर्ड साइड मूवमेंट कर रहे होते हैं, बट क्या एक्चुअल मूवमेंट कर रहे हो? नहीं। तो यहाँ पर ट्रीज रुके हुए हैं लेकिन फिर भी हमें क्या लगता है कि ट्रीज भी हमारे जस्ट अपोजिट साइड मूव करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह कोई पर्सन है रोड पर खड़ा हुआ है, ठीक है, और परसीव द बस अलोंग विद द पैसेंजर एज मूविंग, और वो उसे क्या लगता है कि पैसेंजर मूविंग है, मतलब अगर रोड पे पर्सन चल रहा है तो उसे लगता है कि जो बस के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर है जबकि बस रुकी हुई है वो चलता हुआ नजर आता है, या फिर अगर बस के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर है और बाहर की चीज रुकी हुई है तो उसे वो चलती हुई नजर आती है। यानी कि दोनों ही कंडीशन में कोई एक अगर ठहरा हुआ है और दूसरा चल रहा है तो उस जो दूसरा चल रहा है उससे जो ठहरा हुआ है वो भी चलता हुआ अपीयर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे पैसेंजर को रेस्ट में नजर आते हैं, जैसे कोई पैसेंजर है, ठीक है, जो बस के अंदर बैठा हुआ है तो बस के अंदर दूसरे भी तो पैसेंजर है, और अगर पूरी बस चल रही है तो इसका मतलब सारे पैसेंजर चल रहे हैं, लेकिन जो पैसेंजर अंदर बैठे हुए हैं दूसरे पैसेंजर को देख रहा है उसे तो वो सारे पैसेंजर रुके हुए नजर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बस के अंदर बैठे हो और बस चलती जा रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बस मूविंग है, यानी कि आप भी मूविंग कंडीशन में हो और सारे पैसेंजर जो बस के अंदर बैठे हैं वो भी मूविंग कंडीशन में, पर आपको अंदर बैठे हुए सारे पैसेंजर भले ही मूविंग कंडीशन में हो लेकिन आपको कैसे नजर आएंगे, स्टेशनरी यानी कि रुके हुए नजर आते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज स्टेशनरी है वो मूविंग नजर आती है और जो मूविंग होती है वो स्टेशनरी नजर आती है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे, कुछ ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती नजर आती है तो कुछ सर्कुलर मूवमेंट करती है तो कुछ रोटेटरी मूवमेंट करती है। तो स्ट्रेट लाइन में चलना यानी कि बिल्कुल सीधे मोशन करना, एक सीधी डायरेक्शन में मूव करते जाना। दूसरा सर्कुलर, तो सर्कुलर मतलब किसी ऑब्जेक्ट के या किसी चीज के आसपास गोल गोल घूमना, और उसके अलावा कौन सी मोशन होती है, रोटेटरी। रोटेटरी मोशन या रोटेट होना मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने ही प्लेस पर रोटेट होता है तो उसे कहते हैं रोटेटरी मोशन। जैसे कि अर्थ, अर्थ अपनी खुद की एक्सेस पर गोल गोल घूमती रहती है उसे हम रोटेशन कहेंगे, और अगर वो सन के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऑब्जेक्ट मोशन में है यानी कि वो रोटेटरी भी हो सकता है और वो सर्कुलर भी हो सकता है, वो लीनियर भी हो सकता है, और कुछ सिंपल वाइब्रेटरी मोशन करता है। वाइब्रेटरी मतलब zigzag, बस इस तरीके से zigzag शो होता है, ठीक है। देयर मे बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। अब इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एक ही ऑब्जेक्ट इनमें से बताई हुई जो मोशन है उसमें एक से ज्यादा टाइप की मोशन करनी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कार है, ठीक है, तो वो सीधी डायरेक्शन में जा रही है तो कार के टायर रोटेटरी मोशन कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, यानी कि रोटेशनल मोशन, रोटेटरी मोशन करेंगे, और कार की डायरेक्शन होगी स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है कार, लेकिन वो दो टाइप की मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रही है और सर्कुलेटरी भी कर रही है। उसी तरह अगर अर्थ है तो अर्थ भी दो टाइप के मोशन करती है, वो सर्कुलेशन मतलब सर के आसपास सर्कुलेटरी मोशन भी कर रही है और अपनी एक्सिस पर रोटेटरी मोशन भी कर रही है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा प्रकार की मोशन करे। इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मतलब पूरे चैप्टर में वन बाय वन सभी टाइप के मोशन पढ़ेंगे, पर सबसे पहले हम किस मोशन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन यानी कि लीनियर मोशन। स्ट्रेट वर्ड या लीनियर वर्ड आप जहाँ भी सुनो तो इतना जरूर समझ जाना कि लीनियर का मतलब होता है सीधी लाइन और स्ट्रेट का मीनिंग भी सीधी लाइन होता है, दोनों कॉमन नेम है, ठीक है। वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस
एक्सप्रेस सच मोशन थ्रू अ सिंपल इक्वेशन एंड ग्राफ, और इसी मोशन को हम सिंपल इक्वेशंस और ग्राफ के फॉर्म में भी ड्रॉ करना सीखेंगे। मतलब मोशन को अभी तक आपने सिर्फ वर्ड्स के फॉर्म में डिस्क्राइब किया है, बट इस चैप्टर के अंदर आप उसका मैथमेटिकल फॉर्म भी देखोगे। ठीक है, मैथ्स के अंदर एक मोशन की इक्वेशंस कैसे होती है, मैथमेटिक फॉर्म में मोशन के ग्राफ कैसे बनते हैं, वो सब कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। उसके बाद हम सर्कुलेटरी मोशन के बारे में बात करेंगे। मतलब पहले आप किसके बारे में डिस्कस करोगे, लीनियर मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन वाली मोशन, उसकी इक्वेशंस और उसके ग्राफ पढ़ोगे। ठीक है, वेरी सिंपल। अब एक्टिविटी आपकी 8.1 है, डिस्कस व्हेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। अपने आसपास क्लासरूम की वॉल देखिए, क्या वो मोशन में है या रेस्ट में है। तो आप पर डे जब भी आते हो तो आपको अपना रूम उसी जगह पर मिलता है ना। ये रूम की वॉल मूवेबल होती तो उस जगह पर वॉल दिखाई देती क्या रोज, नहीं दिखाई देती। तो रूम की जो वॉल्स होती है वो रेस्ट में होगी या मोशन में, वो रेस्ट में होगी। ठीक है, उसी तरह एक्टिविटी 8.2, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज एट रेस्ट। क्या आपने इस चीज का एक्सपीरियंस यानी अनुभव किया है कि जिस ट्रेन के अंदर आप बैठे हो क्या वो आपको मूव करती हुई दिखाई देती है जबकि वो ट्रेन रेस्ट कंडीशन में है। ऐसा होता है क्या, आपने ऐसा फील किया है क्या, आपकी ट्रेन रुकी हुई है ठीक है, उसके बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी ट्रेन चल रही है जिसके अंदर हम बैठे हैं। डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस, अपने फ्रेंड से इस चीज के लिए डिस्कस कीजिए। ठीक है, वी समटाइम आर एंडेंजर्ड बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ठीक है, स्पेशली इफ दैट मोशन इज इरेटिक एंड अनकंट्रोल्ड एज ऑब्जर्व्ड इन अ फ्लडेड रिवर। ठीक है, अ हरिकेन और अ सुनामी, यानी कि कुछ मोशन हमारे आसपास ऐसी होती है जो हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं आती, यानी कि जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, इतनी फास्ट वो मोशन होती है, यानी कि हमारी आंखें उसे देखने से भ्रमित हो जाती है कि एक्चुअल वो चीज मोशन में है या है, तो इतनी फास्ट है कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, ठीक से उस मोशन को जज नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल सुनामी यानी कि पानी की लहरें आना जो कि बहुत तेजी से आती है, हरिकेन्स है, फ्लडेड यानी बाढ़ का पानी है जिनकी स्पीड काफी फास्ट होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कंट्रोल मोशन कैन बी सर्विस टू ह्यूमन बींग्स सच एज इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और इस तरह के आपने दूसरी साइड पे जो आपने कंट्रोल्ड मोशन है, ये सारी अनकंट्रोल थी सुनामी की, हरिकेन्स ठीक है, और फ्लडेड रिवर्स यानी कि पानी की स्पीड बहुत तेजी से आता हुआ पानी, ये सब अनकंट्रोल थी जो हमारी आंखों में ठीक से ऑब्जर्व नहीं हो पाती, हम उसे प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि मोशन किस स्पीड से हो रही है। पर कुछ कंट्रोल मोशन होती है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग के थ्रू जो कंट्रोल हो जाए, जैसे कि जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, वहाँ पर हम वाटर को हमारी जो डिसाइडेड स्पीड है वहीं से रोटेट करवाते हैं, यानी धीरे धीरे जब वाटर टर्बाइन पर गिरता है तो उसकी ब्लेड भी रोटेशन में दिखाई देती है प्रॉपर, और वाटर भी मोशन में दिखाई देता है। डू यू फील द नेसेसिटी टू स्टडी द इरेटिक मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न टू कंट्रोल देम। तो क्या इस तरह की इरेटिक यानी कि जो अनकंट्रोल्ड है, आपसे कंट्रोल में नहीं आ पा रही है, क्या ऐसी मोशन के बारे में आपने स्टडी करना जरूरी समझा है या नहीं, क्या हम उसे कंट्रोल करके हम उसे क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्राइबिंग मोशन। मोशन क्या होता है, तो वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द रेफरेंस पॉइंट। क्योंकि जब तक आप एक रेफरेंस पॉइंट नहीं लोगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि कोई ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है या नहीं किया, क्योंकि जहां पर भी ऑब्जेक्ट खड़ी है स्टार्टिंग में वो उसका रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट उस पॉइंट से दूर खिसक गई या उस पर्टिकुलर प्लेस से शिफ्ट हो गई है तो क्या होगा, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन समझाने के लिए आपको उसका रेफरेंस पॉइंट लेना जरूरी होता है। रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सपोज कर लो आप किसी प्लेस पर खड़े हो वहां पर आप मार्क कर लो, या अपने आसपास कोई लैंडमार्क डिसाइड कर लो, जैसे कि आप अपने घर की
पास खड़े हो तो चेयर आपका रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब वहां से आपने अपनी जगह चेंज कर दी, तो लगातार अपनी पोजीशन चेंज करते हुए आप चेयर से डोर की तरफ आ गए, ठीक है। तो चेयर से जब आप डोर की तरफ आ गए तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, रेफरेंस पॉइंट क्या था, चेयर, और अब आप कहाँ आ चुके हो, डोर की तरफ, यानी कि आपकी पोजीशन चेंज हुई है। दैट मीन्स आपने मोशन किया है, आप अपने रेफरेंस पॉइंट से दूर आ चुके हो, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस एन एग्जांपल। जैसे कि अज्यूम कर लो कि स्कूल्स जो है वो गांव में, कितनी दूर है वो, 2 किलोमीटर है नॉर्थ साइड में, ठीक है, रेलवे स्टेशन से। यानी कि हम ये अज्यूम करते हैं कि स्कूल इन अ विलेज, गांव के अंदर जो स्कूल है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में है। कहाँ से, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। We have specified the position of the school with respect to the railway station. ठीक है, यानी कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन आपका क्या बन गया, रेफरेंस पॉइंट, और हमने स्कूल की पोजीशन को कैसे डिफाइन करा, मतलब मैंने कैसे बोल दिया कि 2 किलोमीटर है, कैसे डिफाइन कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि 2 किलोमीटर कहाँ से है, रेलवे स्टेशन से। तो रेलवे स्टेशन क्या बन जाएगा, मेरा रेफरेंस पॉइंट, और उसी रेलवे स्टेशन से मैंने डिस्टेंस को डिफाइन करके बताया। मैंने स्कूल का एड्रेस कैसे शो किया है कि रेलवे स्टेशन से नॉर्थ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर मुझे जब मोशन करना है तब जाके स्कूल पहुंचेंगे। सो वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ स्कूल विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। इन दिस एग्जांपल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट एंड वी कुड हैव आल्सो चोजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। इसी तरह आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कितने ही रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो। जैसे आप किसी को पर्टिकुलर एड्रेस को एक्सप्लेन करते हो, ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कि आपने लैंडमार्क डिसाइड कर रखे, जैसे हॉस्पिटल है आपके घर के आसपास, तो आप कहोगे कि वो जो मेन हॉस्पिटल है, क्योंकि एक पब्लिक प्लेस है, तो आप अपने किसी भी रिलेटिव को अगर एड्रेस दोगे तो आप कैसे दोगे, अपने आसपास के लैंडमार्क को शो करोगे कि आसपास सपोज करा कि कोई हॉस्पिटल है तो आप उस हॉस्पिटल का नेम बताओगे और वहाँ से आप कहोगे कि उस जगह से 2 किलोमीटर, उस जगह से 1 किलोमीटर पर मेरा घर है। जिस तरह से आप कई सारे रेफरेंस पॉइंट भी ले सकते हो, ठीक है। नाउ देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ओरिजिन। और जो रेफरेंस पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, वो रेफरेंस पॉइंट कहलाता है ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पर बार बार रेफरेंस पॉइंट की जगह ओरिजिन वर्ड का यूज करेंगे। नाउ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मैंने कहा था ना आपको कि मोशन कई टाइप की होती है, लीनियर मोशन होती है, स्ट्रेट लाइन वाली, सर्कुलेटरी मोशन होती है, रोटेटरी मोशन होती है। उसमें से हम कौन सी मोशन के बारे में पहले पढ़ेंगे, लीनियर मोशन, दैट इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नाउ ये सबसे सिंपल टाइप की मोशन होती है जो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही होती है ना। जैसे कि कोई कार है बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, उस पर मूव कर रही है, तो एक सीधे रोड पर चलती हुई कार, ठीक है। या फिर कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट ले लो जो बिल्कुल सीधे रास्ते पर चल रही है, बिना किसी टर्न के या बिना किसी जिगजैग पाथ को कवर किए, ना टेढ़े मेढ़े, बिल्कुल सीधे जाना, ठीक है। जैसे कि आप अपने रूम में या अपने ग्राउंड में कोई भी 2 पॉइंट मार्क कर लो, ठीक है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, और उन दोनों पॉइंट के बीच में आप बिल्कुल सीधा सीधा मोशन कर लो बिना यहाँ वहाँ डाइवर्ट हुए, तो आपकी मोशन क्या कहलाएगी, लीनियर मोशन, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल गिवन है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करती है पॉइंट ओ से, ये ओ वाला पॉइंट है, ठीक है, और इस तरह वो पहले पहुँचती है पॉइंट ए पर, ठीक है। ये स्केल जो आपको दी है वो किलोमीटर की है, वो बिल्कुल सीधे पाथ को कवर करती हुई 60 किलोमीटर ए पॉइंट पर पहुँचती है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले वो 60 किलोमीटर गई, उसके बाद वो कहाँ पर आएगी, वापस पीछे की तरफ आती है बी पॉइंट पर, दैट इज पीछे की तरफ आना, यानी कि अब वो अपने ओरिजिन से कितना किलोमीटर दूर है, 35, और कितने किलोमीटर पीछे आई है वो, 5, 10, 15, 20 and 25, यानी पहले 60 किलोमीटर गई, उसके बाद वो उसका फर्स्ट पोजिशन था ए, ठीक है, अब उसे ए से कहाँ पीछे आना था, 25 किलोमीटर वापस आना था,
रास्ते पर, तो उसी रास्ते पर टर्न लेकर वो 25 किलोमीटर पीछे आई, तो उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, बी। ठीक है, और बी के बाद वो कहाँ पहुंची, सी पर। सी मतलब उसे 10 किलोमीटर और बैक आना था, तो उसका एक और पॉइंट क्या कहलाया, सी। ठीक है, जो कि ओरिजिन से कितना दूर है, 25 किलोमीटर। तो इस तरीके से अगर उस हम ये कहेंगे कि उसने टोटल पाथ लेंथ कितना कवर किया, मतलब पहले वो इतनी दूर गई ए पर, देन बी पर जाएगी, देन सी पर जाएगी, तो टोटल रास्ता उसने कितना कवर किया, तो उसकी टोटल पाथ लेंथ क्या होगी ऑब्जेक्ट की, पहले ओ से ए पर जाना, यानी इतना चल के वो आगे तक गया, उसके बाद वहां से ए से कहां आ जाना, रिटर्न। आखिरी पॉइंट क्या था, सी, मैंने शुरुआत जीरो से की थी ओ पॉइंट से, और एंड कहां हुआ, सी पर, यानी पहले तो वो इतना पीछे गया ए पर। ठीक है, और जितना वो रिवर्स आया उसको मैंने ऐसे काउंट कर लिया डायरेक्टली, क्योंकि बी पर आने के बाद आना तो फाइनली सी पर ही है ना, तो फाइनली यहां आकर रुका, तो टोटल पाथ लेंथ क्या होगी, यहां से यहां तक 60 किलोमीटर प्लस यहां से रिटर्न आया, आखिरी पॉइंट सी था, तो कितना हुआ 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, टोटल 35 किलोमीटर बैक आया, यानी कि ओवरऑल आगे जाकर फाइनली सी तक कितने किलोमीटर में पहुंचा, 95 किलोमीटर में पहुंचा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। और अगर आपको किसी भी डिस्टेंस को डिस्क्राइब करना है तो आप उसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से करते हो, और अगर आप उसमें डायरेक्शन का यूज नहीं करते, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कहा कि केवल आपको रास्ता कितना चला वो शो करना था, आपको ये नहीं बताना था कि नॉर्थ में गया या साउथ में गया या ईस्ट में गया या वेस्ट में गया, यहाँ पर आपको डायरेक्शन को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे क्या पूछा जाता है कि सिर्फ कितना पाथ कवर किया, उसे सिर्फ कितनी डिस्टेंस कवर की, तो यहाँ पर आपको सिर्फ डिस्टेंस समझाने की जरूरत है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू को समझाने की जरूरत है, ना कि डायरेक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन को समझाना नीड नहीं है, अगर वो आगे गया है और फिर पीछे उसे डायरेक्शन में रिटर्न आया तो उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो क्या कैलकुलेट करना है कि वो टोटल कितना चला, तो पहले आगे तक गया और फिर रिटर्न आया, इसलिए मैंने दोनों डिस्टेंस को प्लस कर दिया। तो डिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, अंडरलाइन कर लेना आप अपनी बुक में, हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह की यह लाइन पूरी अंडरलाइन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जैसे कि डिस्टेंस, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है, जैसे कि 60, 30, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी नंबर। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल वैल्यूज के अलावा उनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, और इन न्यूमेरिकल वैल्यू को हम बार बार न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं उसे, मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी जैसे मैंने कहा कि 60 किलोमीटर, तो 60 मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है, प्लस 35, दैट इज मैग्नीट्यूड, 95, ये भी मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहाँ साथ में डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि डिस्टेंस में फाइनल पोजीशन सी थी, और जब आप इनिशियल पोजीशन से चेक करोगे तो क्या होगा, जो डिफरेंस होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू से निकाला जाएगा, जो कि क्या शो होगा, मान लो मैंने ये कहा कि टोटल डिस्टेंस नहीं चाहिए मुझे, टोटल डिस्टेंस चाहिए थी तो मैंने 60 प्लस 35 करा, लेकिन अगर मैंने पूछ लिया कि ओरिजिनल जो उसकी पोजीशन थी पॉइंट ओ, ओ से वो कितना दूर है, तो मुझे क्या करना है, पूरा 60 जो भी चला उसमें से इतना माइनस कर देना है 35, तो क्या बचेगा 25, तो वो पहले कितना आगे गया उसमें से जितने डिस्टेंस वो रिटर्न आ गया वो माइनस कर देंगे, तो वो ओरिजिनल पॉइंट से 25 किलोमीटर दूर आएगा। तो यहाँ पर 25 क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि अगर ओरिजिनल यानी कि इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट आगे कितना गया कहाँ गया इससे मतलब नहीं है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर दो टर्म आपने सीखे, पहला है डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक टोटल कितना चली, यानी कि पहले वो आगे तक गई फिर रिटर्न आई फिर वापस आके यहाँ रुकी, तो पूरा जितना भी उसने रास्ता ट्रैवल किया वो सारा सम होके क्या कहलाता है, उसकी डिस्टेंस। ठीक है, यानी पूरे पाथ की लेंथ। लेकिन
डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ने कितना रास्ता कवर किया उससे कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है उसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ थी और फाइनल पोजीशन कहाँ है, केवल उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दैट इज 25। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन से कितनी नजर आ रही है, 25 किलोमीटर। तो यहाँ पर 95 तो डिस्टेंस कहलाई और 25 क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की जरूरत होती है। जैसे कि समझना है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ओ तक मोशन कितनी हुई, टोटल 60 किलोमीटर, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर। ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक टू बी, अब देखो वो ए से जाने के बाद वो कितना वापस आ गया है, बी तक वापस आ चुका है, यानी कि टोटल 5, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर वापस आ चुका है उस रस्ते पर। ठीक है, तो 60 + 25 टोटल कितना हो गया, 85। और डिस्प्लेसमेंट आर यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लोकेट इट फाइनल पोजिशन, यानी कि फाइनल पोजिशन कितना आ चुका है यहाँ पर 25 पर। ठीक है, तो हमें इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये कुछ एक्टिविटी गिवन है, ये आप अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन एट ए गिवन टाइम। अब आपको कुछ मीटर्स कह देना है और एक लंबी रस्सी लेना है। ठीक है, वॉक फ्रॉम वन कॉर्नर टू वन कॉर्नर ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट टू इट्स अपोजिट कॉर्नर अलोंग इट्स साइड, मतलब आपको बास्केटबॉल ग्राउंड है उसके साइड पर चलना है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ, और उसके बाद आपने कितनी डिस्टेंस मेजर की उसे आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में शो करना है। ठीक है, वॉक का डिस्प्लेसमेंट कहना है, क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे इससे लेकर जहां आप एंड करोगे उसके बीच की डिस्टेंस कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा सीधा मेजर ही होता है बट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में होता है। एंड व्हाट डिफरेंस वुड यू नोटिस बिटवीन द टू ऑफ इन दिस केस, तो दोनों के बीच में अंतर क्या है ना, वो मेजर करके दिखाओ। तो हो सकता है डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी आ सकती है पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बड़ी नहीं आ सकती, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब होता है पूरा रास्ता कितना चला वो टोटल करना, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस मेजर करना। ठीक है, नाउ 8.4 ऑटोमोबाइल आर ट्रीटेड विद अ डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब आपने देखा होगा कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई वो हमारे मीटर ऑडोमीटर लगा होता है। ठीक है, जो हमारी टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताता है, व्हीकल में लगा होता है। ठीक है, अब इस तरह की डिवाइस कहलाती है ऑडोमीटर। ठीक है, नॉर्मली सारी मोपेड्स बाइक सब में लगा होता है, एक फ्यूल मीटर होता है और एक स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड दिखाता है, और एक ऑडोमीटर होता है जो आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर चली है ये बताता है। अ कार इज ड्रिवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू द न्यू दिल्ली, तो कार को स्टार्ट करा भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली लाने गया। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड द इनिशियल रीडिंग इन द इज एन ऑडोमीटर इज 1850, मतलब जो शुरुआत की रीडिंग थी जहाँ से भुवनेश्वर से कार चली थी से लेकर जहाँ एंड हुआ वहाँ तक की रीडिंग के बीच का डिफरेंस कितना आया, 1850, यानी कि आपकी गाड़ी टोटल कितना चली, 1850 किलोमीटर चली। तो ये आपका मैग्नीट्यूड था। ठीक है, जिस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो भी डिस्प्लेस हुआ भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली तक उसका मैग्नीट्यूड था। ठीक है, अब आपने रोड मैप से कैलकुलेट किया, कहाँ से किया, रोड मैप से, क्योंकि रोड पर भी आपने देखा होगा किलोमीटर माइल्स से होते हैं ना पत्थर लगे होते हैं जो आपको डिस्टेंस शो करते हैं। अभी क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको साइन करूंगी, आप लोग नोट डाउन करना। उसके अलावा दो सिंपल टर्म है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल में कवर करती जाए तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कार है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर फॉलो कर रही है, बिल्कुल सीधे रास्ते पर जा रही है, 5 मीटर ट्रैवल करती है वो पहले सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रैवल कर रही है, फिर अगले सेकंड में अगेन 5 मीटर ट्रैवल करेगी, अगले सेकंड में अगेन 5 मीटर ट्रैवल करेगी, ऐसा करते करते हमने नोटिस किया कि हर सेकंड में, हर एक एक सेकंड में वो 5 मीटर ही ट्रैवल करेगी, यानी कि अगर टोटल 2 सेकंड की बात करें तो वो 10 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, 3 सेकंड की बात करें तो 15 किलोमीटर ट्रैवल करेगी।
करे तो 20 करेगी, 5 सेकंड की करे तो 25 करेगी, यानी कि क्या नोटिस हो रहा है, हर बार टाइम एक एक सेकंड है और हर बार डिस्टेंस सेम है 25 मीटर, यानी कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और अगर जो टाइम इंटरवल है वो इसमें हमेशा स्मॉल होता है, यानी आप एक मीटर या एक सेकंड की बात कर लोगे, और आप डे टू डे अपनी लाइफ में देख सकते हो कि जो मोशन होती है ऑब्जेक्ट की वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, क्योंकि हम खुद अगर व्हीकल चला रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ब्रेक लगाने की जरूरत हो जाती है, स्पीड कम करने की जरूरत होती है, तो हम यूनिफॉर्मिटी को फॉलो नहीं कर पाते। हम कौन सी मोशन को फॉलो करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, क्यों, क्योंकि हम हर टाइम सेम इंटरवल में हम अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, यानी कि अगर हमारे व्हीकल से हम कैलकुलेट करें तो हम एक सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, तो हो सकता है अगले एक सेकंड में हम 7 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करें, हमारी स्पीड पर डिपेंड करता है ना, अगर हमने स्पीड अच्छी खासी बढ़ा रखी है तो अचानक ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी का मोशन धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, या गाड़ी रुक सकती है, या गाड़ी तेज भाग सकती है। तो इस तरीके से जब कोई कार है जो क्राउडेड स्पीड पर मतलब भीड़ वाले रोड पर है तो वहाँ पर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कवर करती है, क्योंकि कभी किसी टाइम इंटरवल में उसकी स्पीड ज़्यादा होगी या किसी टाइम इंटरवल में उसकी डिस्टेंस कम कवर करेगा। तो इस प्रकार से जैसे पर्सन है पार्क में जॉगिंग कर रहा है, ये सारी इंस्टेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल हैं। अब एक्टिविटी 8.5 द डाटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ठीक है। अब इस डाटा को हमें केयरफुली वॉच करना है और हमें बताना है, एक्सप्लेन करना है कि वो यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। देखो ये एक टाइम पर एक ऑब्जेक्ट 9:30 पर डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट ए, 9:30 पर एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर ट्रैवल करती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बी 12 मीटर ट्रैवल कर रही है। अगला 15 मिनट बाद हमने टाइम नोट करा दोनों का, तो 9:45 पर वो ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर ट्रैवल कर चुकी है, मतलब 9:30 पर 10 तो कर चुकी थी प्लस 10 मीटर और कर लिया उसने, यानी कि 9:45 पर टोटल सम कितना आया 20 मीटर, और यहाँ पर इसने कितना किया 90। वैसे आप देखते जा रहे हो यहाँ पर 30, 45, 10, 10:15, 10:30, 10:45, 11 o'clock, इन सभी पर 15-15 मिनट का डिफरेंस है, यानी कि सभी का टाइम इंटरवल सेम है 15 मिनट, लेकिन ऑब्जेक्ट ए हर 15 मिनट में 10 मीटर ट्रैवल कर रही है। देखो 9:30 पर टाइम थी, अगला 15 मिनट बाद वो 20 मिनट ट्रैवल कर गई, देन 15 मिनट बाद वो अगेन 10 मीटर ट्रैवल कर गई, फिर अगेन 10। तो देखो हर 15 मिनट में इसकी स्पीड कितना, इसका ट्रैवल कितना हो रहा है, 10-10 मीटर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यानी मुझे इतना समझ आ गया कि हर 15 मिनट की गैप में ये 10 मीटर ट्रैवल करती है, जबकि ऑब्जेक्ट बी को देखेंगे तो फर्स्ट टाइम ये 12 थी, अगले 15 मिनट में इसने सिर्फ 7 मीटर ट्रैवल किया, तब जाके टोटल 19 हुआ। देन अगले 15 मिनट में 9:45 से 10 तक इसने टोटल ये बोल सकते हैं 7 मीटर ट्रैवल किया, फिर अगेन 15 मिनट के अंदर इसने 8 मीटर ट्रैवल किया। तो इस तरीके से ये वाली जो मोशन है ये यूनिफॉर्मिटी शो नहीं कर रही है, और जबकि ये वाली सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, और ये सेम टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ऑब्जेक्ट ए कौन सी मोशन ट्रैवल कर रही है, लीनियर और यूनिफॉर्म मोशन ट्रैवल कर रही है, और ऑब्जेक्ट बी किस मोशन से चल रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, ठीक है। तो आज हमने सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम अगेन डिस्कस करेंगे मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, कि हम मोशन की रेट को कैसे मेजर कर सकते हैं, मोशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, थैंक यू।